बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। मैं सूरज राज और आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो भी छात्र BA सेकेंड ईयर में है और एजुकेशन जिसे हम शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, शिक्षा शास्त्र का ये फर्स्ट पेपर है और फर्स्ट पेपर में हम देखने वाले हैं 2022 में आने वाले क्वेश्चन। देखिए, आप सभी छात्रों से कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और 2022 में आने वाले प्रश्नों के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए। देखिए, यही क्वेश्चन आपको पढ़ना है, आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, ऑल यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस इतना ही पढ़ लीजिए। अब आपको भरोसा कैसे होगा? देखिए, एक तरीका होता है आपको समझने का, क्योंकि आप थोड़ी बता मतलब कह सकते हैं सोचने में आप मतलब शरीर में आप बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन जो सोच है ना वो छोटी है आपकी। अब मैं उसको सोच को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। बढ़ाने का तरीका क्या होगा, एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक मान लीजिए, आप बहुत सारे छात्र ये सोचते हैं कि सर जो आप आल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, आप ये सोचते हो ना, मतलब आल यूनिवर्सिटी मेरी यूनिवर्सिटी के लिए बना दीजिए। देखिए, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, सबके लिए नहीं बना सकते, क्योंकि आपको बताएं सबका सिलेबस अब एक जैसा है तो सबकी यूनिवर्सिटी के नाम से बनाने से क्या फ़ायदा है, मुझे बता दीजिए, बताओ सिलेबस आपका क्या है, सेम है, तो आपको क्या करना है, आपको करना क्या होगा यार, आपको भरोसा कैसे होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? इसका एक तरीका होता है। क्या तरीका होगा, देखो, सबसे पहले आपने एक नोट्स वगैरह लेके आओगे, आप नोट्स लेके आए हो मार्केट से, जिसे सीरीज वगैरह कहते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, सीरीज बोलते हैं। ये जब सीरीज आप मार्केट से लेके आए हो ना, तो जब सीरीज आप मार्केट से लेके आए तो उसके पूरा आप क्या देखिए, उसका एक व्यू ले लीजिए, मतलब जो हम क्वेश्चन दे रहे हैं क्या वो उस सीरीज में मिल रहे हैं, क्या वो जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप बता रहे हैं इस वीडियो में, क्या वो आपके सीरीज में मिल रहे हैं? और हाँ, यदि आपका ये आंसर हाँ में आता है, ठीक है ना, तो आप समझ लीजिए कि आपको कोई फेल करने वाला पैदा नहीं है, कि आप 2022 के टॉपर बनने वाले हो, मैं आपसे बोल रहा हूँ, और विश्वास आएगा आपको और करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि पेपर जब आपका पहला पेपर जब आपके सामने होगा तो आप ये कहोगे कि सर ने जो क्वेश्चन दिया था वही आए हैं यार, ये सबसे बड़ी बात है, समझ रहे हैं ना। आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अब सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपका फ्यूचर आपके हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आपको एक रास्ता दिखाना है, एक सही रास्ता दिखाना कि भाई इस रास्ते पे चलो, ठीक है, बाकी हाथ पकड़ के चलाना नहीं है मेरा मतलब कि आपको आओ यही रास्ता सही है, ऐसा नहीं है। मैं आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ कि भाई इस रास्ते पर चले जाओ और आपको काफी सफलताएं मिलेंगी, ये तो बता सकता हूँ ना, ये तो नहीं बताऊंगा कि आओ मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ में, यार मैं उस रास्ते से गुजर चुका हूँ जिस रास्ते पे तुम्हें भेज रहा हूं, समझ रहे हैं ना, तो वो समझिए, क्योंकि मैंने ये सब कुछ कर रखा है जो आप कर रहे हो। अब यहां देखिए, यहां बीएससी सेकेंड ईयर वालों, एजुकेशन का फर्स्ट पेपर है जिसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं, और इसमें 2022 में आने वाले क्वेश्चन को बाद में देख लो। यूपी के आल यूनिवर्सिटी, अब देखो पहला क्वेश्चन आपको याद करना है, टिक लगाइए अपने पास बुक, नोट्स, गेस्ट पेपर जो भी आपके पास में है। यह है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, और उसके क्या होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है शिक्षा मनोविज्ञान की, उसका उपयोगिता, उपयोग के बारे में बताइए, उसकी विधियां बताइए, निरीक्षण पद्धति के गुण बताइए, किसके, शिक्षा मनोविज्ञान के निरीक्षण पद्धति के गुण बताना है। अब देख रहे हैं ना, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है, समझाइए, उसके निरीक्षण पद्धति के गुण बताइए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेगा है। तो आप ये क्वेश्चन पूरा बता देंगे एक बार में, क्वेश्चन करके आएंगे जवाब से, और ये क्वेश्चन लॉन्ग में फंसेगा बेटा, लॉन्ग में। ये बोला गया है अधिगम, देखो यहां बोला गया अधिगम, अधिगम मतलब होता है सीखने से आप क्या समझते हैं, अधिगम से आप क्या समझते हैं, ये तरीके से पूछेगा, ये आपसे पूछेगा कि सीखने से आप क्या समझते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट, ये मोस्ट बता रहा हूं, ये पेपर में छपते हैं और आपको यही क्वेश्चन टॉपर बनवाएंगे, बस यही पढ़ के जाइए। उसकी परिभाषा लिखिए, कारक क्या होते हैं और उनके नियम क्या होते हैं। भैया सीखने के नियम क्या है, आप जानते हो ना, मैं पैदल चलते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जब वो पैदल चलता है तो वो क्या कैसे करता है, सीखता ही तो है, कभी गिरता है कभी उठता है, तो सीखने के कुछ नियम होते हैं। अब नियम क्या होंगे आपको बताऊंगा, कुछ लोग क्या करते हैं, जो वो कहते हैं ना घुटना, वो क्या कहते हैं उसको, गोल सा होता है, बच्चे को उसमें खड़ा कर देते हैं, बच्चा अपने पैर चलाता है तो अगली बढ़ता है, होता है ना पालना टाइप का जो होता है, मुझे बताना है उसका नाम क्या है, तो वो चीज़ है। अब जब सीखने का क्या तरीका है, कुछ नियम है ना, तो वो नियम किसके अंतर्गत रखेंगे, वही चीज़ जो पालना टाइप का होता है, बच्चे को रख देना वो चलना सीख जाता है, पैर चलाना सीख जाता है, अपने पैरों पर जोर देना सीख जाता है,
ये तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो आपको वहां एक्सप्लेन करना है, समझना ना। हर चीज का एक नियम होता है, पढ़ने का भी एक नियम होता है बेटा। ये देखो दूसरा क्वेश्चन है, इसको देखिए। थार्मडाइक का प्रयास, एक थार्मडाइक द्वारा एक व्यक्ति थे, शास्त्री कह सकते हैं, उनका प्रयास क्या रहा है और त्रुटि का सिद्धांत, इनके त्रुटि का सिद्धांत क्या रहा है, उनके गुणदोषों के बारे में बताइए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। देखो ये क्वेश्चन देखो, बोला है अर्धदृष्टि का सिद्धांत, अंतदृष्टि का सिद्धांत मोस्ट इंपोर्टेंट, आप इसको पढ़िएगा। ये है अभिप्रेरणा अभिगम, अभिगम माने होता है सीखना, अभिप्रेरणा अभिगम के लिए अनिवार्य है, महत्व बताइए। ये आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि अभिप्रेरणा अभिगम के मतलब सीखने के लिए अनिवार्य है, जो अभिप्रेरणा होती है वो सीखने के लिए अनिवार्य है, उनके महत्व बताइए, ठीक है इस तरीके से। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपसे टिक लगाइए, क्वेश्चन अपने बुक नोट्स गैसे पर मैं जिससे आप पढ़ाई कर रहे हैं इसको देखिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं का क्या अर्थ होता है, उसके कारण उनके महत्व के बारे में बताइए। देखो व्यक्तिगत भिन्नताएं जो होती है उनका कारण क्या होता है, ये बताइए। क्वेश्चन आपको याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। इसको देखिए ये कह रहा है, इसको देखिए यहां कह रहा है बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन करिए। देखो जो आप बुद्धि जानते हो ये माइंड है, इसके क्या सिद्धांत होते हैं, ठीक है बुद्धि के। यहां कह रहा है उनकी विशेषताएं उपयोगिताएं उनके महत्व के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद में कह रहा है व्यक्तित्व क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरा व्यक्तित्व वाला, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रभावित करने वाले कारक विशेषताएं और उनके अनुवंशिक कारक कौन कौन से होते हैं, अनुवंशिक कारक मोस्ट इंपोर्टेंट बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चनों को रटना है, जो बता रहा हूं बस वही पढ़ना है, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। ये कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है, विशेषताएं आपको बताना। देखो एक मानसिक कह सकते हैं जो मानसिक स्वास्थ्य होता है, ठीक है वो उसका अर्थ क्या होता है, मतलब अर्थ का मतलब होता है उसकी परिभाषा क्या है, उसकी विशेषताओं क्या है। एक है विशिष्ट बालक से आप क्या समझते हैं, उसकी बर्गेल में आपसे पूछ लेगा एक विशिष्ट बालक की पहचान आप कैसे करेंगे, बताइए। आप एक स्टूडेंट हैं और एक विशिष्ट बालक की पहचान आप कैसे करने वाले हैं, एक इंटेलिजेंट बालक है उसकी पहचान आप कैसे करोगे, बताओ क्या देखिए उसके अंटिल उसको बता सकते हो कि भैया ये बहुत बेस्ट व्यक्ति है और बहुत इंटेलिजेंट है, कैसे आप बताओगे उसके बारे में, कुछ ना कुछ खासियत तो उसकी देखोगे, उसका करने का तरीका, उसका सोचने का तरीका ये देखोगे ना भाई, तो उसका कुछ खासियत विशेषताएं बताता है। हर एक इंसान की एक विशेषताएं होती हैं, उस विशेषता के बारे में देखना। यहां कह रहा है शिक्षा में पिछड़ेपन बालक को विभिन्न और पिछड़ेपन कारण, देखो कह रहा है शिक्षा में पिछड़ेपन बालक जो होते हैं और पिछड़ेपन का कारण क्या होता है, प्रकार कितने होते हैं पिछड़ेपन के, और कारण भी आपसे पूछ लेता है। कोई पिछड़ापन है शिक्षा में, मान लो वो शिक्षा है शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहा है तो उसका पिछड़ेपन हो गया, मतलब वो क्या है क्या हो जाएगा पिछड़ेपन हो गया, मतलब पिछड़ा मतलब पीछे वर्ग का मतलब होता है बहुत पीछे वर्ग, मतलब पिछड़ापन यही होगा ना, मतलब हम शिक्षा में क्या है वीक है, तो उसके प्रकार कितने होते हैं। सृजनात्मकता बालक की विशेषताओं के बारे में पहचान कैसे करेंगे, ये देखो सृजनात्मकता बालक जो होता है उसकी विशेषता उनकी पहचान आप कैसे करने वाले हो। ये है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर आपसे पूछेगा कि मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान में अंतर बताइए और उनके महत्व के बारे में बता के जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आत्मनिरीक्षण विधि क्या होती है, आत्मनिरीक्षण विधि जीवन इतिहास विधि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। ये क्वेश्चन अपने बुक नोट्स गैस पर टिक लगा लो, यही क्वेश्चन छपने वाले हैं आपके पेपर में, बाकी कुछ और नहीं पढ़ना है। उसके बाद में है देखो यहां बोला गया है प्रयोगात्मक विधि के लाभ गुण दोषों के बारे में और सीखना, और यहां बोला गया है अनवरण अनवर्त क्रिया, अनवर्त प्रक्रिया होगा सीखना और अनवर्त प्रक्रिया में अंतर आपसे पूछ सकता है। यहां देखो थार्नडाइक के एक बिल्ली, थार्नडाइक ने एक बिल्ली पर प्रयोग किया था उसके बारे में आपको याद कर लेना है, और ये है तत्परता का नियम और उनका उपयोग कहां किया जाता है, तत्परता का एक नियम था उस नियम का उपयोग कहां किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन बोला गया है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ क्या होता है, उनके महत्व उनके प्रकार के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को इधर देखिए, ये क्वेश्चन देखो बोला गया है बुद्धि के एक खंडीय एवं द्विखंडीय सिद्धांतों के बारे में, जो बुद्धि होता है उसका एक खंडीय और द्विखंडीय सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ना है, और बुद्धि लब्धि किसे कहता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद में हम नीचे जाएंगे और नीचे देखो ये क्वेश्चन बोला गया है कि मानसिक आयु क्या होती है, मानसिक आयु और संव्यगात्मक वृद्धि के बारे में, और यहां बोला गया इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बोला है अंतमुखी और बहुमुखी व्यक्ति की विशेषता आप कैसे करने वाले हैं, कि अंतमुखी और बहुमुखी जो व्यक्ति है उसकी आप विशेषता कैसे करेंगे, उसकी विशेषताओं के बारे में आपसे पूछेगा और उनमें अंतर क्या होता है। ये क्वेश्चन देखिए, ये अंतमुखी बहुमुखी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ये बोला गया है प्रतिभा
प्रतिभाशाली बालक का अर्थ क्या होता है, उसकी पहचान आप कैसे करेंगे। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है, उसकी आप पहचान कैसे करने वाले हैं। ये सृजनशील बालक है, उसकी आप पहचान कैसे करेंगे। पिछड़े व मंद बुद्धि बालकों में अंतर क्या होता है, एक पिछड़ा बालक होता है, एक होता है मंद बुद्धि वाला। ठीक है, जिसे हम कितना भी समझाते हैं उसको समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो समझो यार, आप इंटेलिजेंट बनो। कैसे बनना है, पिछड़े पन में नहीं, आपको विशिष्ट बालक बनना है, एक सबसे इंटेलिजेंट बनना है। ठीक है ना, और जो आपकी पहचान करने की किसी को जरूरत ना हो, वो आपके स्वभाव से जान जाए कि ये बंदा कुछ खास है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर देना है। एक न्यू चैनल है जिसका नाम है खिलाड़ी भाई एक्स वाई जेड, उस चैनल को भी प्यार दीजिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप फेसबुक में, जो क्योंकि उन अपने दोस्तों को पता चल जाए कि यार इस वीडियो से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि यही क्वेश्चन 2022 में आएंगे। इससे बाहर आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 2022 के टॉपर बनेंगे। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू।